हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा कौशिक और आपसे बात करूंगी दिन के राशिफल और पंचांग की। तो आज है 17 जनवरी 2023 और दिन है ट्यूसडे यानी मंगलवार। कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी शाम के 5:58 तक। आज गंडमूल का कोई योग नहीं है, पंचक का कोई योग नहीं है। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3:07 से लेकर शाम के 4:27 तक का समय जो है वो राहु काल का है। आज के लिए एक और अशुभ समय जिसे कि हम गंधम काल कहते हैं, वो समय रहेगा सुबह 9:51 से लेकर सुबह के 11:10 तक। आज के लिए सबसे शुभ समय कोई जिसमें आप कोई भी दिन का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस दौरान जो है वो ले सकते हैं, वो समय रहेगा सुबह के 11:16 से लेकर दोपहर के 1:53 तक। चलिए बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले हमेशा की तरह एरीज यानी मेष राशि से करेंगे शुरुआत। आज अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। ओवरऑल अपनी फैमिली फ्रंट पर भी अपने रिश्तों को संभालने की जरूरत रहेगी। फाइनेंशियल फ्रंट जरूर अच्छा नजर आता है, आपको फायदा हो सकता है। इनफैक्ट आप जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो फायदे एंजॉय कर रहे हैं। ये वही समय है जब आप अपने फाइनेंसिस को और इन्वेस्ट करने के बारे में या मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा पर्पल। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि करीबी रिश्तेदारों को आप अपनी लाइफ में इतनी इजाजत मत दीजिए कि उनकी इंटरफेरेंस और बर्दाश्त होनी बंद हो जाए। हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट का अपनी सेहत को सुधारने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो अपना फोकस जो है थोड़ा सा उधर और बढ़ाना चाहिए। कोई रीसेंट इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। आपके लिए लकी नंबर आज रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा ब्राउन। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए क्या है खास। अपने ऑफिस कलीग्स के साथ आप अच्छे रिश्ता जो है वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए बिजनेस टूर पर जाने के रास्ते भी खुलते हुए नजर आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं तो आपको सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं गलती होने के भी चांसेस नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहले मार्केट स्टडी करना जरूरी होगा। यूं तुक्का जो है वो फाइनेंशियल फ्रंट पर आज नहीं लगेगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 17 और लकी कलर रहेगा व्हाइट। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना जरूरी होगा। अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को, फैमिली की डिमांड्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। अपने रेगुलर रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में अब आपको एक्सरसाइज को एक स्पेशल जगह देने की जरूरत है। प्रोफेशनल फ्रंट पर थोड़े बहुत चैलेंजेस आज परेशान कर सकते हैं। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 22 और लकी कलर रहेगा ग्रे। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आज फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार का आना हो या अपने प्लान्स को जो है वो फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत होगी। बिजनेस को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी जरूर काम आएंगी। आपको अगर बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं मनमुटाव चल रहा था तो वो भी अब सुलझते हुए नजर आता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा पर्पल। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपने अथॉरिटी को आज आपको अपने पास सही रखना चाहिए। उसका बहुत ज्यादा अनाउंस करके उस या शो ऑफ करने से बचना चाहिए। ये चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं। आज सेहत में सुधार लाने की जरूरत है, तो इसलिए अगर सेहत के प्रति अभी तक आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं तो आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने फैमिली को लेकर फ्यूचर प्लानिंग को सिक्योर करने की जरूरत होगी। मेहनत की कमाई को फिजूल के खर्चों पर उड़ाने से बचना चाहिए। आज आपके लिए लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा सिल्वर। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने नजरिए को आज थोड़ा सा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, चीजों को लेकर थोड़ा ओपन रहने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं नजरिए में भी बदलाव करना जरूरी होगा। प्रोफेशनल फ्रंट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए अपनी सोच समझ से और अपनी सूझबूझ से ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। परिवार में रीयूनियन होते हुए नजर आता है। अपने रिश्तेदारों के साथ, यारो दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर प्लान की जा सकती है। अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो अपने जरूरी सामान का ध्यान जरूर रखें, और खासकर कोई अगर रेगुलर मेडिकेशन पर आप हैं तो उन मेडिकेशन को भी अपने साथ जरूर कैरी करें। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा रेड।
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आज थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने बिहेवियर पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, खासकर आपके वर्क फ्रंट पर। ऑफिस पर अपना रवैया जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए। उसके साथ साथ आज जो है वो आपका जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है, तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फैमिली फ्रंट पर आपको किसी भी विवाद को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने से बचना है। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने से भी आज बचे। आपके लिए लकी नंबर आज रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा डार्क ब्लू। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए क्या है खास? अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो नए प्रोजेक्ट्स तब मिलेंगे जब आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर मार्केट और प्रेजेंट कर पाएंगे। फैमिली आपके लिए जरूर आज सपोर्टिव रहेगी। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बस उनमें उनका जो सिलेक्शन है, उनकी चॉइस जो है वो सूझबूझ के साथ करने की जरूरत होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने से बचें, उन्हें जितना लग जितना दूर दूर रख सकते हैं उतने रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन तब निकल सकता है जब उसे डिस्कस किया जाए। अब वो डिस्कशन अपने साथ हो, अगर अपने से सलूशन नहीं निकल रहा तो किसी समझदार से उसको और डिस्कस करना जरूरी होगा। फैमिली विवाद भी जल्द सुलझाने की कोशिश करने की जरूरत है, वरना ये स्थितियां आपको किसी और चीज पे फोकस नहीं करने देंगी। आज आपको लोन अगर अप्लाई करना चाहते थे तो इंतजार करें, और किसी से अगर पर्सनल लोन या कर्ज जो है वो किसी रिश्तेदार से या दोस्त से लेना चाहते थे तो उससे भी बचना चाहिए। किसी भी आर्टिफिशियल ब्यूटी प्रोडक्ट से या हेल्थ सप्लीमेंट से दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा सैफ्रन। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या है खास? इन्वेस्टमेंट से पहले सोच विचार रिसर्च करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के बाद उस रिसर्च का मायना खत्म हो जाता है। आज ओवरऑल फाइनेंशियल गेन्स नजर आते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। कोई नौकरी की तलाश में थे, नौकरी बदलना चाहते थे तो समय जरूर आपके लिए फेवरेबल नजर आता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 17 और लकी कलर रहेगा मेजेंटा। बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की। अपने वर्कआउट रूटीन को मौसम के अनुसार बदलने की जरूरत होगी। फाइनेंशियल फ्रंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दिन मिला जुला नजर आता है, नॉट वेरी ग्रेट बट नॉट दैट बैड ईदर। सीनियर्स जो है वो आपके काम से जरूर प्रभावित होंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना सकते हैं। आप में से जो लोग घर का रेनोवेशन या घर का इंटीरियर्स को रीडू करना चाहते थे तो आज का दिन आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 15 और लकी कलर रहेगा पिंक। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। सी यू टुमारो।